हेलो गाइस, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस कि आप सब ठीक है। गाइस आप मेरे हुलिये में आ जाएं, कॉज हम लोग आज स्पेशल करने वाले हैं, ठीक है गाइस। बड़े सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ड्रेसेस हमारे डन, मेकअप हमारा डन, क्योंकि हमने बहुत सारा एक्सपेंसिव मेकअप ले लिया है, बट स्किन सड़ी पड़ी है, स्किन पे ग्लो नहीं है गाइस। जरा कोई भी फेस्टिवल है, कोई स्पेशल ओकेजन है ना, अगर फेस पे ग्लो ना आए तो फिर मजा नहीं आता है ना गाइस। आज हम अपने फेस पे ग्लो लाने की कोशिश करेंगे गाइस। मैंने मंगाया यहाँ पे ओजोन का फेशियल किट एंड दिस गोल्ड फेशियल किट, इसके बारे में बात करने वाले हैं और हम साथ में यूज करने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया है, हम साथ में ट्राई करेंगे और बताऊंगी कि आपको इसको लेना है कि आपको इसको नहीं लेना है। क्वाइट अफोर्डेबल यू गाइस, मैंने इससे पहले गोल्ड का इतना अफोर्डेबल फेशियल अभी तक यूज नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि हमें हाइड्रा ग्लो भी देगा, सो आपको बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं फेशियल कराने के लिए, बिकॉज मैं हूं तो आप मेरी बात सुनेंगे और हम घर पे खुद फेशियल करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा कम प्राइस में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। पैकेजिंग देखें कुछ ऐसी सी है गाइस, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और उसके बारे में बात करते जाएंगे, बिकॉज अगर आपको चीजें बताऊंगी फिर हम करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं स्टेप वन पे। दिस इज हमारा फर्स्ट स्टेप वन एंड दिस इज, इन्होंने कहा हुआ है कि यू नो टैन को निकालेगा हमारे स्किन के ऊपर और हमारे स्किन को यू नो बहुत से क्लीन करेगा, तो बेसिकली दिस इज द क्लींजर। तो आपने अपने फेस को अच्छे से पहले क्लीन करना है। मेरे फेस पे भी कुछ भी नहीं है, आपको नजर आ रहा है मेरे फेस पे कुछ भी नहीं गाइस। बहुत दिन हो गए मैंने कोई स्किन केयर अपना नहीं किया है, मेरी ब्राउज देखे सड़ी पड़ी है, मैंने कुछ नहीं किया, तो लेट्स सी कि हमारे स्किन पे कैसा वर्क करता है। सो गाइस ये हमारा स्टेप वन जो है हमारा 10 पील ऑफ मास्क, इसको आपने अच्छी खासी क्वांटिटी लेनी है, इसको ना लगा के ना एज अ मास्क तरह आप लगाएं, 10 to 15 minutes रखना है इसको अपने फेस पे, देन हमने ऐसे से मसाज करके अपने फेस को वॉश कर देना है और ये बहुत से क्लींस करेगा। इस मैंने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी ली है, मैंने इसको अपने फेस और नेक दोनों पे लगाया है, मैंने बहुत अच्छे से इसको मसाज दी है, कॉज ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अगर फेस पर करेंगे ना, मैंने अपने हैंड्स पे भी किया है, अगर आप सिर्फ अपने फेस और नेक पे करेंगे आपको 2 टाइम आराम से ये हो जाएगा। स्टेप टू है हमारा स्क्रब, अगेन आपको लेना है उसके फेस ना, आपको 5 मिनट को रखना है, आपने 10 से 20 सेकंड के लिए ही मसाज करनी है गाइस। मैंने बहुत छोटे गोल्ड पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और इसका जो स्क्रब है ना बिल्कुल चुभता भी नहीं है फेस पे, जो एक यू नो एक प्लस पॉइंट लगा मुझे इसका। आपने इसको रखना है, मैंने अगेन मैंने अपने फेस नेक और हैंड तीनों पे लगाया था, बहुत अच्छे से मसाज करी, स्क्रब बिल्कुल भी लग नहीं रहा था, बहुत ना लाइट था, हार्श बिल्कुल नहीं था, और आपने बहुत अच्छे से यू नो मसाज करनी, बहुत लाइट हैंड के साथ, आपके वो आपका फेस है, बर्तन नहीं है जिससे आप घिसेंगे तो चमक जाएगा, तो आपने बहुत लाइट हैंड रखना है, ओके। और देखिए मैं बहुत हल्के से आपको मैंने स्पीड में किया है, बट वैसे मैंने बहुत हल्के से ना स्क्रबिंग की है गाइस। हमारा जो किट है ना, ये ना इल्यूमिनेटिंग गोल्ड किट है, इसका प्राइस 270 rupees है, बट मुझे Amazon पर जस्ट 170 rupees का मिला है, कैन यू बिलीव गाइस। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस सीरम, जिसका ये यू नो बेस्ट पार्ट मुझे लगा, स्मेल मुझको समझ नहीं आया किस चीज़ की स्मेल है, बट मैंने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी ली, इसकी मसाज करी, आपने बहुत इसको मसाज करना है और आपने इसको वॉश नहीं करना, अपने स्किन के ऊपर ना एब्जॉर्ब कराना है, बस इतना ही था गाइस। फेस को ना वॉश लगाने के बाद फेशियल किया, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नाइट टाइम में करें ताकि आप सो जाए, आपको यू नो डे टाइम में ना करें, और आपने ना सोप नहीं लगाना है रात में, आप नेक्स्ट डे उस सोप लगाएं, बाकी आपको सोप लगाने की जरूरत ऐसा कुछ नहीं है गाइस। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है ना, स्टेप 4, वो हमारा है मसाज क्रीम, अगेन जो मेरा फेवरेट पार्ट है गाइस। स्किन इतनी ग्लोइंग लग रही थी, मेरे को इतना मजा आ रहा था करने में, आप देखिए मेरा नेक देखे, मेरी स्किन देखे, आपको नजर आ रहा है कितना अच्छा ग्लो है मेरे चीक्स में, आपको दिखा भी रही हूँ सी, और मेरी नेक इतनी सॉफ्ट, इतनी मजे की स्किन छूने में मेरे को बहुत। स्टेप 4 अगेन हमारा मसाज क्रीम है, आपने बहुत अच्छी क्वांटिटी लेनी है, आपने इसको जेंटली मसाज करना है और आपने ना क्रीम को ख़त्म करना है और आपने ना डैम क्लोथ से आपको अपने फेस को वॉश कर देना है, बस इतना ही था, और बाकी इतना अफोर्डेबल है। और अगेन गाइस की शेल्फ लाइफ हमें कम से कम लॉन्ग 3-4 ईयर्स की शेल्फ लाइफ हमें इसकी बहुत आराम से मिल जाती है, और देखिए मैं बहुत अच्छे से इसकी मसाज कर रही हूँ अपने स्किन के ऊपर, और आपने ख़त्म करना है उसके बाद ही यू नो वो कर सकते हैं, वो आपको वॉश कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, मैं इसको अच्छे से मसाज दे रही हूँ और मैंने नेक पे अपने हैंड पे सब जगह लगाया है इसको, और आप घर पे ही करेंगी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है गाइस। देखिए नेक देखिए मेरी कितनी शाइनिंग हो गई है ना, फेस कितना ग्लोई हो गया गाइस, स्किन ना स्किन टोन भी लाइटर करता है गाइस। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस पैक, आपने लगाना है, अगेन आपने पूरा ड्राई नहीं करना है, आप इसको 80% ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद अपने फेस को ना पहले गीला करेंगे, उसके बाद अपने फेस को पोंछ देंगे, इतना ही है गाइस। नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा स्टेप 5,
वो एक हाइड्रेटिंग एक ना शीन लोशन खाया उन्होंने, सन शीड लोशन, बट ना वो एक जैसे कहते हैं ना फाउंडेशन टाइप में को लगा, तो मेरे को लगाने का मन नहीं करा, बिकॉज मैंने इवनिंग में ही लगाया था तो मुझे सन प्रोटेक्शन की जरूरत थी भी नहीं, तो मैंने इसको नहीं लगाया। मैंने ना जो ऑयल था सिरम वाला मैंने वही लगाया है और स्किन ओ माई गॉड बहुत 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 सॉफ्ट एंड सफल लगी थी। बट और गाइज ये हो गया, आप देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, कुछ ऐसा था बिल्कुल फाउंडेशन काइंड ऑफ था, तो मैंने इसे नहीं लगाया। ठीक है गाइज, मैंने अपना सीरम लगाया, ख़त्म किया। बाकी अगर हम ग्लो की बात करें गाइज, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना कोई ग्लो अपने फेस पे नहीं लगा है, स्किन क्लियर लगी, यू नो क्लीन लगी, सॉफ्ट लगी, सप्पल लगी और शेड लाइटर हुआ है। बट ग्लो इस जो मैं कहूँ तो गाइज वो ग्लो मेरे को नज़र इसमें नहीं आया है। तो आप मेरा फेस देखें कोई ऐसा लग रहा है आफ्टर फेशियल एंड दिस इज़ माय स्किन और ऐसी लगी है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया है, थैंक यू।